ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज की हमारी अव्यक्त मुरली है 310 और मुरली का विषय है महावीर, अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। महावीर किसे कहते हैं? विशेष आत्माओं की विशेषताएं। महावीर होगा विशेष आत्माएं, और उनकी विशेषताएं क्या हैं वो आज बाबा बता रहे हैं। जो बाबा ने मुरली चलाई थी 9 दिसंबर 1975। विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति, महावीरों के प्रति, महारथियों के प्रति शिव बाबा बोले। क्या कहते हैं? महारथी अर्थात महावीरों का संगठन, महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? कौन सी विशेषता होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता ये होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस, एक टिक स्थिति, एक टिक स्थिति हो। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। एक सेकंड में जैसे कहीं भी अपने हम अपने विचारों को टिका लें, मतलब एक जगह पर, एक ही जगह टिकी रहे। एक रस अवस्था थोड़ी देर के लिए हुई पर थोड़ी देर बाद खत्म हो गई, परंतु ये अवस्था एक टिक रहे। बस हम एक रस हो गए तो हो गए, शांत हो गए तो हो गए, उमंग उत्साह जिस भी उसमें है हम उस अवस्था में, उस स्थिति में टिके रहे। उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो, संगठित रूप में सब के संकल्प रूपी अंगुली एक, संकल्प रूपी जो अंगुली है ना वो सबकी एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते, लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और बाबा के बच्चे रेडी। विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है। जो विशेष निमित्त आत्मा है ना, विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। अभी ऑर्डर हो के 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। 5 मिनट के लिए कोई भी संकल्प नहीं आए और आप एक रस स्थिति में शांत है तो शांत, ठीक है, सुखी है तो सुखी, आनंदमय है तो आनंदमय, जैसी भी स्थिति बनाई उसी स्थिति में रहें, उस स्थिति में कोई परिवर्तन। एक रस स्थिति हो जाओ तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रू रिहान कर रहा हो, कोई अव्यक्त स्थिति में हो, मतलब सभी अलग अलग चेंज नहीं हो जाए, तो सभी एक ही उंगली, सबका एक ही संकल्प होगा तब तो सहयोग होगा। यदि मेरा संकल्प कुछ और है, दूसरे का और है, तीसरे का और है, तो उंगली देना थोड़ी होगा। हाँ, सहायता
ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हो रूह रूहान बाबा से बातें, तो ऑर्डर नहीं माना ना। ये अभ्यास तब तक होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करें। यदि व्यर्थ संकल्प समाप्त नहीं किए तो यह अवस्था बन नहीं सकेगी। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन की शक्ति संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एक मत, मतलब कौन सा ऐसा शक्ति कौन सा गुण अपने में डेवलप करे कि सारे एक मत हो जाएं और व्यर्थ संकल्प भी हमारे क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। इसके लिए एक तो फेथ विश्वास तथा समान्य की शक्ति चाहिए। एक तो विश्वास चाहिए, दूसरी समान्य की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ, आपस में विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर। किसी ने जो कुछ किया, मानो रोंग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को समान सामने ना रख, मतलब हम देख रहे हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, संस्कार क्या हैं उसके, परंतु देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरों की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। मतलब क्या होता है कि भी गलती तो हो गई है, गलती किया किसी ने, अब उसको आपने छुपा लिया तो वो आरोप आप पे लग रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है मेरी गलती है, ऐसा भी नहीं करना। समाने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलती अपने माथे पर ले लो। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। व्यर्थ संकल्पों इतना एक दो में फेथ हो स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रोंग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रख कर एक दूसरे के
संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है, बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली नहीं करो, उनके साथ मत मिलाओ। अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो, वो पास्ट हो गया, मेरे संस्कार थे, अब जो थे उनको अब है नहीं करो, खत्म। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं तो इससे संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है, व्यर्थ के विचार हमारी बुद्धि में, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, ये संगठन को मजबूत करना है गलती दूसरे की, पर उसे अपनी समझना, संगठन की कमियों को छुपाना है ना, आपस में उसकी बात को अपने ऊपर ले लिया, पर फैलाना नहीं। परिवर्तन करने का फेत या कल्याण करने का फेत, एक है परिवर्तन करने का विश्वास, दूसरा है कल्याण करने का विश्वास। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, जो आत्मज्ञानी होते हैं वो सिद्धि करते हैं, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प, एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में ना होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है वैसे रिजल्ट भी क्या है, बिगड़ा हुआ है, रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए, देखा और सुना, देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे, कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हैं अपकारी पर भी उपकार करना है, यानी अपकारी का भी उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम है, कम रहती है, क्यों, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्ध होगा, अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। अभी तो आप सिद्धि का आह्वान करते, फिर ये सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, नॉलेज भी श्रेष्ठ, स्टेज भी पावरफुल, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है और सदा काल स्थिति में रहने वाले को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो ये संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, एक ने कहा, दूसरे ने मानी, दोनों ज्ञानी। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी,
सामना नहीं करना, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करने, दुख के आगे, विकारों के आगे, दोष के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। बात नहीं जचती कोई बात नहीं, पर तो हम आपस में सम्मान क्यों खराब करें? उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना, कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही हैं, बाप के आगे बच्चे तो क्या हैं, छोटे ही हैं, रचना है। लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे, मतलब ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ क्या करते थे, रिगार्ड के बोल बोलते थे। कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा, अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव, अव्यक्त भाव की होनी चाहिए, सूक्ष्म रूहानी होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना, संकल्प में भी स्वीकार ना करना, और ना कराना ही चाहिए। मतलब हमने, मतलब कोई भी बात हो गई है, ठीक है, कोई गलती से सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं, खत्म, दांव हो गया समाज उसको। ऐसे जब स्थिति हो, ऐसी जब स्थिति हो, तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वे प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाए। 108 की माला का संगठन तो एक बनाओ, एक मत हो जाएगा, एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। कोई मणका किस धागे में, कोई मणका किस धागे में। अब प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से ये शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर स्वयं में ही शक्ति की, अगर प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। ड्रामा अनुसार होना है, वे तो हो ही जाता है, अनुसार होने वो तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे, वे नहीं होता, भाभी करा रही है। कौन करा रही है? होनी करा रही है। इसलिए संगठित रूप में
ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। मतलब आपस में बैठो, हम अपने याद को कैसे आगे बढ़ाएं, मतलब एक दूसरे की कोई बात देखो नहीं, ठीक है संभालो, कमी है उसमें ठीक है संभालो, बजाय इसके कि हम उसको कहते फिरे प्रचार करें ये करें, ठीक है। और उससे जो है ना बनेगा, प्यार भी बनेगा, बंधन भी बनेगा, संबंध भी बनेगा, पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो कि मैंने क्या सीखा आपने क्या सीखा वो सारे बताएं, तो फिर जो फाइनल हो। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए, ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें, तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। क्या लगता है? पंखा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वो है विनाश ज्वाला और ये है योग ज्वाला, ये है योग ज्वाला। तो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, आप लोगों के योग को उसका साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण, आपका योग जैसा होगा तो वैसी तो ज्वाला बनेगी। संगठन पावरफुल हो, संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज बनती है ना तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए, नमक भी चाहिए, नहीं तो वो चीज बन नहीं सकती। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहां तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, इस मुरली का सार है, नंबर एक, संगठन में हलचल होने से ही सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। संगठन में हलचल हो तो सफलता भी हलचल वाली होगी। संगठित रूप से सबकी स्थिति की संकल्प रूपी अंगुली एक होने से ही सिद्धि या सफलता मिलेगी। सबकी एक ही हो, एक ही संकल्प हो और एक ही संकल्प से सारे कार्य करें। नंबर दो, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए एक तो एक दूसरे में भेद रखो, दूसरा उसकी बातों को समाने की शक्ति की आवश्यकता है। नंबर तीन, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं माया के आगे यूज करनी है। परिवार में सामना करने की शक्ति यूज करने में संगठन पावरफुल नहीं होगा। हम किसी को सामना करने लग जाएंगे तो फिर संगठन पावरफुल नहीं होता। नंबर चार, जैसे कोई चीज बनाने के लिए घी, नमक और पानी सब कुछ चाहिए, घी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो है, लेकिन सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए, विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।